हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ पड्डा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एमपीसेट की आंसर की रिलीज हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। तो अब हमें 7 दिन का समय मिला है कि हम अपने आंसर्स को चैलेंज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाली हूँ कि पेपर 1 और कॉमर्स से कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, और दूसरी चीज़ की क्या हमारा रिजल्ट 6% या 15% होगा, उस चीज़ की भी क्लैरिटी मैं आपको देती हुई चलूंगी, और कैसे आपको चैलेंज करने हैं क्वेश्चंस, वो प्रोसीजर भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मुझे और फर्स्ट टाइम आया है हमारे सेशन में, तो मेरा नाम आयुषी है। आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे हमारी कॉमर्स की क्लासेस रहती है और पेपर 1 सुबह 9 बजे लेती हूँ मैं, ठीक है? तो ये मेरा टाइमिंग रहता है, और साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा पे एडुकेटर हूँ, तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है, मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, डेली क्विजेज आपको मिल जाती है, यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, और काउंसलिंग सेशन रहते हैं जो आपको हेल्प करते हैं एक अच्छे तरीके से बेटर वे में प्रिपेयर करने के लिए, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। कुछ भी हेल्प आपको चाहिए रिगार्डिंग नेट एग्जामिनेशन, सेट एग्जामिनेशन, तो आप इन दो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बैच रन कर रहा है नेट के लिए, दिसंबर में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, PYQs मिल जाते हैं 22-23 के विद डिटेल सॉल्यूशन, हैंडबुक्स मिल जाती हैं पेपर 2 की, और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है जिसमें कंप्लीट 21 टेस्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक किसी भी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और ज़रूरी होती हैं, और ये कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाता है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हैं तो आप पेपर 2 भी ले सकते हैं, केवल पेपर 1 लेना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 अलग से भी मिल जाता है। चलिए अब डिस्कशन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन चैलेंज होंगे, क्योंकि हमारे पास आंसर की में कुछ हैं जो डाउट्स आ रहे हैं बच्चों को, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत गलत दिए हुए हैं आंसर उनके, तो उनको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस को आप चैलेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने PDF ओपन कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सॉल्यूशन करवाए थे, तो इन सभी को डिस्कस करेंगे और प्रोविजनल आंसर की में क्या आंसर है उनके साथ मैच करेंगे। तो पेपर 1 की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पेपर 1 में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है? और वो 2 क्वेश्चन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ 2 क्वेश्चन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन तो है हमारा जो रीजनिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, 25, 21 और 23 है। मेरे पास सेट सी था, तो सेट सी का क्वेश्चन 22 है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। सेट ए में 25 क्वेश्चन है, सेट बी में 21 क्वेश्चन है, सेट डी में इसका नंबर 23 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, और जबकि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 22। ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला क्वेश्चन है, आपको सीक्वेंस कंप्लीट करनी थी, तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ना कि ए होगा, ठीक है? फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो 37th नंबर पे है, मेरे वाला जो सेट है सेट सी में। इसमें भी क्या है, यहाँ पे जो नेपटिल है इसकी फुल फॉर्म गलत दी हुई है। नेपटिल की फुल फॉर्म होती है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग, जो कि एक गलत आंसर है, तो आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ सेट ए बी सी और डी में क्या है इसका नंबर। सेट ए में 40th पे है ये, सेट बी में 36 क्वेश्चन है, सेट सी में 37 है, और सेट डी में 38th क्वेश्चन है। इसका आंसर डी दिया गया है, और जबकि इसका आंसर सी दिया गया है, इसका आंसर करेक्ट डी होगा, ठीक है? इसके लिए अब यहाँ पे ना साफ साफ मेंशन है कि आप किस तरीके से करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, तो जब भी आप कोई चैलेंज करोगे तो नाम देना है, ठीक है? कोई ग्रंथ वगैरह दे रहे हो उसका भी नाम, पुस्तक के लेखक का नाम होना चाहिए, राइटर का नाम, पुस्तक का संबंधित पृष्ठ किस प्रश्न किस पेज नंबर पे है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बट इन 2 क्वेश्चन में, ठीक है, आप नेपटिल की वेबसाइट पे जाओगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पे आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी, तो आप ORG साइट यहाँ पे अटैच कर सकते हो। दूसरी चीज, ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है इसमें आप लॉजिक दे सकते हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, एक नंबर बीच में लिया गया है उससे +1 किया गया है, फिर नेक्स्ट जो सबसे पहला नंबर है उसमें +1 किया गया है, एक नंबर छोड़ के फिर आगे ऐसे किया हुआ है, ठीक है? तो ये चीज का आप लॉजिक दे सकते हो, तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ईजिली आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है? इसका लॉजिक मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। ये लॉजिक क्या है, देखो GEF दिया हुआ है, तो E के बाद +1 F है, फिर एक 2 स्टेप पीछे जाके +1 करना है, G आ जाएगा, फिर H को छोड़ दिया, फिर इसके बाद I आया मिडल में, फिर J आया, फिर J के बाद K आया, फिर यहाँ पे L को छोड़ दो, L को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, M आएगा मिडल में, फिर N आएगा, और यहाँ पे पीछे O आएगा, तो L को स्किप कर दिया, तो O M N ही आना चाहिए, तो O M N आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये है पेपर
पेपर वन के क्वेश्चन, ठीक है, जो और क्वेश्चंस हैं उनमें कोई भी डाउट नहीं है, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही है, पैराग्राफ वाला भी बिल्कुल सही है। अभी जो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सही करने हैं क्वेश्चन वो कौन से हैं, पेपर टू के भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, पेपर वन का मैंने डिस्कस कर लिया है, पेपर टू के कौन से क्वेश्चन आप यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो, देखते हैं उनको वन बाय वन। देखिए पेपर टू में क्या है, यहाँ पे पेपर टू में जो एक क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, उससे हमारे 7 से 8 क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे चेंज आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे 55th है, सेट सी में, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन क्या बताता है, कॉन्करेंट डेविएशन से, तो ये डायरेक्शन ऑफ कोवेरिएशन बताता है, ठीक है। कोवेरिएशन का काम डायरेक्शन बताने का है, कोरिलेशन का काम डिग्री और डायरेक्शन बताने का होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ कोवेरियंस यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। जैसे यहाँ पे है, अब एक 62 क्वेश्चन है, इंटरनल फोर्स ऑफ चेंज, मैंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करवाया था, बट इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, इसको मैंने चेक कर लिया है, चैलेंजेबल नहीं है ये। और बाकी सभी जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी, ठीक है, सही है, ठीक है। एक मैंने क्वेश्चन गलत करवा दिया था, वो बैड बैंकिंग वाला, वो आप सही कर लेना। इसमें देखिए यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है, ये स्कीम से रिलेटेड ओम्बड्समैन स्कीम की जब बात आती है, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उनके लिए जो बात की गई थी, तो ये ना गोयपोरिया कमेटी और दामोदरन कमेटी दोनों ने की थी, तो गोयपोरिया कमेटी को जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसका आंसर यही निकल के आएगा, ठीक है। इन्होंने कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट करने की बात गोयपोरिया कमेटी ने ही की थी, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बैड बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सही है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि मुझे ये चैलेंज करना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी, उसका रीजन बता दूंगी कि क्यों नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स कंसर्न किससे नहीं है, तो फ्री ट्रेड जोन में रिडक्शन होगी, इससे कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट होता है, फिर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास कस्टम यूनियन बनना स्टार्ट होते हैं, फिर कॉमन मार्केट बनती है, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो फ्री ट्रेड जोन्स जो हैं इनमें रिडक्शन होगी, ट्रेड बैरियर्स इनसे कंसर्न नहीं होता, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर डी लगवाया था, मुझे डी लगा था, बट आंसर इन्होंने सी दिया हुआ है कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर का मतलब क्या होता है। क्रॉस बॉर्डर मर्जर मीन्स होता है कि आप दो कंपनीज हैं अलग अलग कंट्रीज में हैं, वो आपस में मर्ज हो रही हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिकमिंग 100% इंडियन कंपनी। तो क्रॉस बॉर्डर मर्जर में क्या होता है कि अगर आप इंडियन कंपनी है, आप कोई मर्जर करना चाह रहे हो, तो दूसरी कंपनी को क्या कर लेते हो, आप इंडियन कंपनी बना लेते हो, तो यस ये भी इसका रीजन एक हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इसको भी हम चैलेंज नहीं कर सकते, मैंने इसको डी बोला था बट मैंने चेक किया तो इसका आंसर हो सकता है ये। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी है, 118 का, क्लियर। और बाकी जो क्वेश्चन हैं इनमें कोई डाउट नहीं है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे सही हैं। ये जो एक केस लॉ था 94 क्वेश्चन है जो सेट सी में, कि कंपनी एक सिटीजन नहीं है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि हम पढ़ते हैं ना कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो उनको मिलते हैं, तो कंपनी एक लीगल पर्सन नहीं है, उससे रिलेटेड यहाँ पे एक केस लॉ जो है जो हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि कितने एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स हैं हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैंने आपको बताया था कि 10 होते हैं, ठीक है, तो होते तो ये 10 ही हैं। मैं आपको एक क्लिपिंग दिखा देती हूँ, मैंने अपनी बुक में से ये देखी है, तो यहाँ पे आप देखिए वॉइड अग्रीमेंट में हमारे पास ये 10 अग्रीमेंट दे रखे हैं, बट इनमें ये 6 अग्रीमेंट्स ऐसे मेंशन किए हुए हैं जो क्या है, जो एक्सप्रेसली एज वॉइड हम कैटेगराइज करते हैं, तो ये 6 अग्रीमेंट्स होते हैं, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, 6 अग्रीमेंट्स वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो ये चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे, इसमें यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हैं, ये सारे बिल्कुल सही हैं, मैंने जो करवाए थे बाकी क्वेश्चन सही हैं। हाँ एक ये है, रेट ऑफ फाइनेंस जो इनकम टैक्स है वो कौन डिसाइड करता है, तो फाइनेंस एक्ट आता है हमारा हर साल फेब में, तो बिल जब पास होता है तो फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस एक्ट में ही जो रेट है वो दिया जाता है, ठीक है, तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर। और ये चीज यहाँ पे है कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स था ये 2022 में ही आए थे, ठीक है, और ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्टेड है वो 1886 वाले में एग्जम्प्ट थी, ठीक है, 1961 में यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो इसको टैक्स नहीं लगा रही है, यहाँ पे 1961 में क्या है कि गवर्नमेंट के पास अधिकार ही नहीं है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का, तो एग्जम्प्टेड 1886 में जो हमारा लॉ था ना उसमें ये बात है जो की गई थी, 1886 इसका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, बाकी सभी क्वेश्चंस यहाँ पे सही हैं और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, क्लियर। हमने जो सारे क्वेश्चन किए थे वही है इसमें लगभग। और यहाँ पे एक और चीज़ है, एक क्वेश्चन में यहाँ पे चीज़ है कि अ फर्म शुड अडॉप्ट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ये जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसमें मोनोपोली में, ठीक है, और परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में, और मैनेजर है जो फर्म का वो ओनर है, तो वो तीनों केसेस में ही क्या करेगा, कोशिश करेगा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। मैंने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बताया था, बट ओनली ऑप्शन नंबर बी नहीं, सभी के सभी इसका करेक्ट आंसर है, अभी मैंने चेक किया नोटबुक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओनली। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए थे, तो मैंने कुछ अलग आंसर बताया हुआ था, इसमें कुछ अलग आंसर है, तो वो मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है, इसका मुझे अभी तक करेक्ट आंसर मिला नहीं है। 140th क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोल रखा है, ट्रू स्टेटमेंट आपसे पूछी गई थी। मैंने आपको यहाँ पे बताया था इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि जो लॉन्ग रन होता है ना, मोनोपोलिस्ट वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। मोनोपोलिस्ट मीन जिसकी मोनोपोली है, वो लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाता है। ये ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए, बट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, जो क्या बोल रहा है कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोलिस्ट है वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब ये थोड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मुझे रीजन अभी तक यहाँ पे करेक्ट पता नहीं लग रहा है, बट इसका रीजन मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो। इसका जो सोर्स है वो आप कहाँ से लगा सकते हो, आईसीएआई का फाउंडेशन का जो कोर्स होता है ना, उसके मटेरियल में आपको यहाँ पे ये चीज़ मिल जाएगी। या फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लेना चाह रहे हो तो एचएल अहूजा ले लो, उसमें फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला जो टॉपिक है वहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो लॉन्ग रन है वहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, इसको हम चैलेंज कर सकते हैं कॉमर्स में, जो सेट सी है उसका 140th क्वेश्चन है। बाकी और सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सही हैं, ठीक है, उनमें कोई ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कुछ है नहीं कि जो एम्बिगुअस है, बाकी सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सही तरीके से आपको दिए गए हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 140th क्वेश्चन सेट सी में आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो यही कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा 6% ही रहेगा, जैसा बोला गया है कि जो सेट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाला है, ठीक है। और आपको जो कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करना है, तो चैलेंज करने के लिए आपको बुक का नाम, पब्लिशर का नेम, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी, मेंशन करनी होगी। और जो क्वेश्चन नंबर आप चैलेंज कर रहे हो, अपना सेट नंबर मेंशन करके क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, सो दैट कोई भी कन्फ्यूजन वहाँ पे ना रहे, ठीक है। और आपके लिए क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे क्लास होती है, कल हम करने वाले हैं कॉम्पिटिशन एक, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कल, ठीक है, कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि अब हमारे पास पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर भी था, ये वाला पेपर भी है, इनको एनालाइज करेंगे, जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स रहा है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अभी के लिए जितना रिस्पॉन्स मेरे पास आया है, अगर आप कर पा रहे हैं 200 मार्क्स स्कोर, तो ये बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। 200 नंबर एक बहुत डिसेंट स्कोर है, आपके हाई चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो 190 से 200 तक का स्कोर ही आपको यहाँ पे वैलिड है, जो लेके चलना है। जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। 5 5 6 6 नंबर और कम लगा लो, तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपना स्कोर देख सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या स्कोर आपका बन रहा है, सो दैट हम अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।